हेलो गाइस, वेलकम टू priyang.tv। आशा करता हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। तो ये है सीन मनाली टू अटल टनल, अटल टनल टू सीसू, सीसू टू केलोंग एंड केलोंग टू जेस्पा। गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है होम ऑन व्हील सीरीज की। इसमें मैं अपनी गाड़ी में एक्सप्लोर करूंगा लाहौर। वीडियो को एंड तक देखना गाइस, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सीसू, केलोंग, जेस्पा, झांस्कर और बहुत सारे एडवेंचर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंजॉय। गाइस, ये फर्स्ट वीडियो है होम ऑन व्हील सीरीज की। जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं वो है सोलांग वैली, और ये वीडियो स्नोफॉल से पहले का है। सोलांग वैली फेमस है अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग, ट्यूब राइड, स्की और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप यहाँ से ATV हायर करके अंजनी महादेव भी जा सकते हैं ड्यूरिंग स्नोफॉल। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सोलांग वैली के ऊपर, तो आप कार्ड को क्लिक करके मेरी और भी सोलांग वैली एक्टिविटीज की वीडियोस देख सकते हैं। जैसे ही आप सोलांग वैली क्रॉस करेंगे, कुछ लगभग 10 किलोमीटर बाद अटल टनल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनाई गई है, जिसको 10 साल लगे हैं बनते हुए। और ये विजन अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जो कि 2020 में सक्सेसफुल हुआ है। गाइस, जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है अटल टनल, और इसमें हम एंट्री कर रहे हैं। और ये टनल 9.02 किलोमीटर की है। इस टनल को मैंने साइकिल पे भी क्रॉस किया था, मनाली टू अटल टनल एंड अटल टनल टू मनाली बैक। आप वो कार्ड में मैंने वीडियो भी लगा रखा है, आप अगर देखना चाहते हैं एज अ साइक्लिस्ट तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसमें आपको अटल टनल की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। एक बात का जरूर ध्यान रखें गाइस, अगर आप स्नोफॉल में आ रहे हैं, आजकल के टाइम पे आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप अटल टनल जाएं तो देख के जाएं वेदर कंडीशंस। वहाँ के वेदर कभी भी चेंज हो सकते हैं, जैसे मेरे साथ और मेरे ग्रुप के साथ हुआ। आप कार्ड में लगी हुई वीडियो भी क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल में कैसे फंस गए थे और कैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था और लोग पूरी रात तक फंसे रहे थे। और जब भी हैवी स्नोफॉल पड़ती है, अटल टनल बंद कर दी जाती है। यहाँ तक कि मेरे से लोग पूछ भी रहे थे कि रोहतांग ओपन रहेगा, तो रोहतांग भी बंद रहेगा गाइस स्नोफॉल में, और अटल टनल भी बंद रहेगा स्नोफॉल में। लद्दाख, सीसू, केलोंग एंड ऑल दैट। सो ये हमारी गाड़ी है और ये अटल टनल है। यहाँ तक पहुँच गया, और ठंड बड़ी हो रही है, फुल पावर ठंड हो रही है, खतरनाक वाली। तो गाइस, अटल टनल क्रॉस करने के बाद सीसू विलेज ओनली 4 किलोमीटर रह जाती है। सीसू विलेज बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ब्यूटीफुल सा विलेज है, जहाँ पे वाटरफॉल है, हेलीपैड है और बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं। सीसू विलेज बहुत फेमस है अपने गोल्डन ड्रॉप्स लीव्स के लिए। तो मैं सीसू विलेज नहीं रुका, क्योंकि मुझे केलोंग पहुंचना था और रात भी हो जा रही थी, अंधेरा भी हो जा रहा था, और मुझे लास्ट पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरवाना था। गाइस, जैसे ही आप अटल टनल को क्रॉस करेंगे, वहां की दुनिया ही अलग है।
आपने ग्रीन माउंटेन्स तो बहुत देखे होंगे, बट जो यहाँ के माउंटेन्स हैं बहुत ज्यादा यूनिक हैं गाइस। इनको ओएसिस माउंटेन भी बोला जाता है क्योंकि ये माउंटेन्स ब्राउन और व्हाइट और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये जगह इतनी प्यारी है कि एक बार आप यहाँ आ जाएं, आपको जाने का मन ही नहीं करेगा, और जितनी भी मोबाइल में बैटरी होगी वो सब खत्म हो जाएगी आपके फोटोग्राफी पे। आप यहाँ जूम उठेंगे इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही मजा आएगा अटल टनल के आगे प्लेसेस को एक्सप्लोर करके। सीसू से केलोंग का रास्ता है लगभग 30 किलोमीटर का, जिसमें आपको एक घंटा लगता है कि लॉन्ग पहुंचते हुए। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि ये बहुत ही प्यारा रूट है। अगर आप ड्राइविंग पसंद करते हैं तो जिंदगी में एक बार जरूर इस रास्ते पर आएं। अटल टनल के बनने से लाहौल और स्पीति में कई गांव हैं जिनको बहुत फायदा हुआ है। अटल टनल बनने की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल और स्पीति साल के 6 महीने देश के बाकी हिस्सों से कटे रहते थे, और अटल टनल बनने के बाद इस साल यहां का टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगा। लोग लाहौल और स्पीति को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे मनाली के साथ साथ। तो ये है केलोंग गाइस। यहाँ पे मैं कुछ खाने पीने के लिए रुका था। ये मेरे लिए फर्स्ट रेस्टोरेंट था केलोंग का, जिसमें मुझे तिब्बतन रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था, और बहुत ही शांति भरा ये लोकेशन था। तो गाइस चाय पी के मैं केलोंग से निकल पड़ा, और मैंने रात का होल्ट जेस्पा पे किया, और उसके आगे के सीन आप देख ही लो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जेस्पा। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:30 एंड व्यू इज ऑसम। स्लीपिंग इन माय कार, साइकिल बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगी हुई है। सो अमेजिंग मैन। कल रात को मैं जिस पार की इस रोड से निकल रहा था, और मैं जा रहा था बारालाचा की तरफ, तो बीच में मैंने सोचा किसी से पूछ लेते हैं कि क्या सीन चल रहा है आगे के। एक बंदे ने बताया कि भाई आगे जाने का नहीं है, आगे ना जाओ। उसने बोला आगे ना जा, क्योंकि अगर जाएगा तो वहाँ पे -10 होता है, और फिर रात को शीशों पे स्नोफ्लेक्स लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है चलाने में और ये सब। और मेरी नींद खुली थी कुछ 4:30 के ग्राउंड, मेरे सारी गाड़ी में सारे शीशों में आइस जमी हुई थी, और तमस हो गया। उसके बाद अब मैं उठा हूँ, बहुत अच्छी धूप चल रही है, आइस का कोई सीन नहीं है, आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाहर जाके दिखाता हूँ। Thank you.
फ्रेंड्स ये था सीन मनाली टू जिस्पा बाय रोड वाया अटल टनल। मैं जल्द ही और भी पार्ट्स लेके आऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा केलोंग को, सीसु को और आसपास टूरिस्ट स्पॉट्स को। और मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा हाउ आई बिल्ड माय कार फॉर दिस जर्नी। आशा करता हूँ आपको होम ऑन व्हील का सीरीज पसंद आया होगा। ये फर्स्ट वीडियो था गाइस, इसके बाद मेरे और भी पार्ट्स आते रहेंगे, तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो इस चैनल पे। अगर आप लाहौल और स्पीति आ रहे हो और आप कुछ कैंपिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बेस्ट आइडिया यही है कि अपनी गाड़ी को ही कैंप बना दिया जाए, अपनी गाड़ी में ही एक बेड बना दिया जाए, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा बहुत सारे एंगल से। ये मेरा गाड़ी का सेटअप है, आप सामने देख ही रहे हैं गाइस। इसमें मेरा एक बेड है, कुछ सामान है खाने पीने का और अच्छी खासी स्पेस है जिसमें अपना सामान रख सकता हूँ। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये सेटअप कैसा लगा। अगर आप भी कुछ ऐसा सेटअप बनाने की सोच रहे हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, आपको जरूर रिप्लाई करूंगा आपके कैंपिंग सेटअप को तैयार करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये होम ऑन व्हील्स का सीरीज पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कुछ नया करने के लिए इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है हिमाचल या उत्तराखंड ट्रैवल से रिलेटेड, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे से वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। या फिर तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आपको जरूर आंसर मिलेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले के भक्त रहो। जय भोले की।